हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, यह है लिब्रे ऑफिस कैल्क का ट्यूटोरियल नंबर 57। अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 56 नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह है डेटा मेनू का पार्ट 1, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा सॉर्ट, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग और ऑटो फिल्टर ऑप्शन के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें सॉर्ट का। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी एक रोमन अंक, अल्फ़ाबेट्स या तो आपको यहाँ पे नंबर टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप कर लिए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना नंबर टाइप कर दिया और जो कुछ भी मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया है वो मेरा नंबर यहाँ पे सीरियल वाइज नहीं है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक के बाद आ गया 3, इसके बाद 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6 और इसके बाद 5, 7, 8। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा ये नंबर है ये सीरियल वाइज नहीं है। अगर आपको इसको सीरियल वाइज करना है तो इसके लिए आप करेंगे इसको सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने डेटा मेनू में, और डेटा मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट का। तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टाइप है सॉर्ट की 1 कॉलम G, जो मैंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा असेंडिंग का और डिसेंडिंग का। तो आप यहाँ पे असेंडिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिए। असेंडिंग मतलब होता है आरोही क्रम और डिसेंडिंग मतलब होता है अवरोही क्रम। ओके, तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक किया, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओके का। तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो नंबर था ये यहाँ पे सीरियल वाइज हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा असेंडिंग ऑप्शन। इसके बाद आपको फिर से इसको करना सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने डेटा मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे सॉर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा पूरा नंबर था ये यहाँ पे डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा नंबर है ये यहाँ पे घटते क्रम में टाइप हो गया। ओके, तो ये था हमारा सॉर्ट ऑप्शन। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग का। तो बिल्कुल आपका ये भी दोनों उसी तरह काम करेगा। इसके लिए आपको इस नंबर को करना सेलेक्ट, और नंबर को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने डेटा मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे सॉर्ट असेंडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका जो नंबर है ये यहाँ पे बढ़ते क्रम में टाइप हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके अपने डेटा मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे सॉर्ट डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका जो नंबर है ये यहाँ पे घटते क्रम में टाइप हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग ऑप्शन। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें ऑटो फिल्टर का। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ नाम और हेडर टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ नाम टाइप कर दिया, और नाम को टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे हेडर के साथ आपका पूरा नाम करना सेलेक्ट, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डायरेक्टली आपके अपने डेटा मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे
स्टूडेंट नेम के नाम से एक हेडर था, इसमें यहाँ पे ऑटो फिल्टर लग गया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके राइट साइड में एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे हाइड ओनली का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको इसमें से जिस भी नाम को दिखाना है उसको आप यहाँ पे चेक कर दीजिए, और जिस नाम को नहीं दिखाना है उसको आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे मोहन को नहीं दिखाना, ना तो यहाँ पे राम को दिखाना, और ना ही यहाँ पे मुझे श्याम को दिखाना है, केवल मुझे सोहन को दिखाना है मेरे हेडर के साथ। इसके बाद मैंने ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हेडर के साथ एक नाम यहाँ पे शो हो रहा है जिसका नाम है सोहन। इसके बाद मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक किया, अगर मान लीजिए इसके साथ आपको यहाँ पे दिखाना है श्याम को, तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे श्याम और सोहन सभी का यहाँ पे डेटा नाम फिल्टर होकर दिखाई दे रहा है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मैंने फिर से एक बार यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आल का, तो आप यहाँ पे क्लिक करके सभी को दिखा सकते हैं। तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक किया और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो सभी नाम था वो सब यहाँ पे शो हो गया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर आपको अपना फिल्टर रिमूव करना है तो उसके लिए आपको ये पूरा करना पड़ेगा सेलेक्ट, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने डेटा मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फिल्टर मेरे नाम पे लगा था वो यहाँ से रिमूव हो गया। ओके, तो ये था हमारा ऑटो फिल्टर ऑप्शन। ओके, तो ये थे डेटा मेनू के कुछ ऑप्शंस जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।